क्या बार बार गुनाह करके तोबा कर सकते हैं? अगर कोई एक गुनाह बार बार तोबा करके फिर बार बार करता हो तो क्या अल्लाह ताला इसे माफ फरमाएंगे या नहीं? अब्दुल्ला साहब के पीके से। देखें, तोबा का दरवाजा तो मौत तक खुला हुआ है। 100 बार भी कोई गुनाह करके 100 बार भी तोबा करेगा तो तोबा कबूल होगी, बशर्ते के वो तोबा तोबा हो, सिर्फ ऊपर ऊपर की तोबा ना हो, दिल से तोबा हो। दिल से तोबा की अलामत क्या है कि अजम कर ले कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, पक्का इरादा करे। और जो माजी में गुनाह हो चुके हैं उन पर निदामत हो, इसको खुशी ना हो कि अच्छा हुआ, चलो इतने तो मजे उड़ा लिए मैंने, निदामत हो। और तीसरी चीज, आइंदा अल्लाह से एग्रीमेंट करे, दिल से अजम करे कि आइंदा नहीं करूंगा। इन तीन शर्तों के साथ जो अल्लाह से तोबा करेगा, माफी मांगेगा, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا। कोई गुनाह कर ले या किसी तरह अपनी जान पे जुल्म कर बैठे, यानी अल्लाह की नाफरमानी जब इंसान करता है तो अपनी जान ही पे जुल्म होता है, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, फिर उसके बाद वो अल्लाह से तोबा करेगा, माफी मांगेगा, यजिद अल्लाह गफूरन रहीमा, तो अल्लाह को गफूर भी पाएगा और रहीम भी पाएगा। यानी अल्लाह सिर्फ ये नहीं कि गुनाह माफ करेगा बल्कि उस पर रहम भी करेगा अल्लाह ताला। तो इसमें अल्लाह ने कोई ये शर्त नहीं बयान की है कि एक दफा जुल्म करे, दो दफा, जितनी दफा भी जुल्म करेगा अपनी जान पे, जितनी दफा भी गुनाह करेगा, जब भी अल्लाह के सामने तोबा करेगा तो अल्लाह को गफूर और रहीम पाएगा। तो हजार क्या करोड़ बार भी अगर गुनाह कर लिया हो तो तोबा करने से बहरहाल वो गुनाह माफ हो जाता है। लेकिन ये जो आयतें हैं ये तोबा की फजीलत में है, गुनाह की फजीलत में नहीं है। लोग इन आयतों से ये समझते हैं कि यार जब हजार दफा गुनाह करके भी तोबा अल्लाह कबूल करता है तो क्यों ना बार बार गुनाह करो। तो गुनाह करने की इजाजत बहरहाल नहीं है। आपने जब अल्लाह से एग्रीमेंट किया कि मैं दोबारा अल्लाह गुनाह नहीं करूंगा और इस बेस पे आपने तोबा की, फिर जब आप दोबारा गुनाह करेंगे ना तो ये एक गुनाह डबल हो जाता है। डबल इसलिए कि एक तो ये जुर्म है, दूसरा इसलिए कि आपने अल्लाह से जो एग्रीमेंट किया था आप उस एग्रीमेंट को भी तोड़ रहे हैं। तो इसका इससे खौफ खाना चाहिए, अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि तोबा की तौफीक से पहले ही आप पर अल्लाह का अजाब आ जाए और बहुत बड़ा अजाब आ जाए कि तूने मुझसे किए हुए एग्रीमेंट को भी तोड़ा है और तूने गुनाह भी किया है। तो अजाब आते देर नहीं लगती बाज़ दफ़ा। तो अजाब में यह भी होता है कि बाज़ दफ़ा अचानक अल्लाह का आसमानी अजाब आ जाता है, कोई बीमारी लग गई, अल्लाह ने फौरन आपको उठा लिया और तोबा की मोहलत ही नहीं मिली। और बाज़ दफ़ा यह भी होता है कि तोबा की तौफीक भी सलब हो जाती है। ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, अल्लाह ने फरमाया ना कि अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। तो बाज़ दफ़ा तोबा की तौफीक सलब हो जाती है क्योंकि जब बार बार इंसान गुनाह करता है, एग्रीमेंट अल्लाह से किए हुए एग्रीमेंट को तोड़ता है तो उसके दिल से गुनाह की जो बुराई है वो खत्म हो जाती है। गुनाह से बुराई खत्म, गुनाह की बुराई खत्म हो जाती है तो फिर वो तोबा भी छोड़ देता है, वो कहता है छोड़ो क्या करना है तोबा करके, और वो गुनाह से मानूस होने लगता है आहिस्ता आहिस्ता। जो पहली दफ़ा गुनाह करके जब उसने तोबा की थी तो वो कैफियत उसकी खत्म होने लगती है। तो ये बड़ी बुराई है कि आप गुनाह कर करके अपने आप को गुनाह का आदी बना रहे हैं। तो इसलिए भाई, गुनाह तो हज़ार दफ़ा भी हो तोबा तो अल्लाह यकीनन कबूल करेगा, लेकिन ये सोच के बार बार गुनाह करना ये परले दर्जे की हमाकत और बेवकूफ़ी है, अपने आप को फितने और आजमाइशों में धकेलने वाली बात है। क्योंकि जो एक ग्राउंड रियलिटी को अगर आप सामने रखें, सर्वे करें, तो जो गुनाह बार बार करके तोबा करते हैं और बार बार इसी उम्मीद पे गुनाह करते रहते हैं कि हम तोबा कर लेंगे, तो इनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो फिर तोबा नहीं करते और बिल आखिर गुनाहों पर उनकी मौत वाकई हो जाती है। बहुत कम है जो इसमें कामयाब होते हैं। इसलिए आफियत का रास्ता यही है कि अपने आप को गुनाहों से मुकम्मल बचाया जाए और गुनाहों से बहुत दूरी इख्तियार की जाए। अल्लाह ना करे कभी हो गया तो इंसान फिर फौरन तोबा करे, लेकिन इस उम्मीद पे कि मैं तोबा कर लूँगा, गुनाह करना बड़ी हमाकत है। उलमा कहते हैं इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई अपना हाथ काटे, जख्मी कर दे कि मैं इलाज करा दूंगा। तो भाई जब जख्मी हो गया तो फिर तो इलाज कराना है, लेकिन इलाज की उम्मीद पर अपने आप को खुद से जख्मी करना शुरू कर देना, ये तो परले दर्जे की हमाकत और बेवकूफ़ी है।